पहुंच गए गाइस, हम लोग पहुंच गए और मैं आपको दिखाती हूं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं माय फुल डे रूटीन। चलाएंगे ना तो आधा दूर चलेगा, उसके बाद कहेगा मम्मा गोदी, और हम गोदी नहीं लेंगे तो पापा गोदी जाएगा, पापा गोदी नहीं लेंगे तो मेरे गोदी में आता है, उसका ये आदत बना हुआ है। बेटू मान गया पैदल चलने के लिए, बहुत ही इसको कन्विंस करना पड़ता है कि बेटे चलो पैदल। देखो अब चल रहा है आराम से। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, मैं आपको जो है दिखाती, काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम सेल होते हैं और बहुत ही कम रेट में। ऐसे मैं मुझे जो पसंद आएगा वही लोग नहीं चाहता, मैं बजट नहीं बनाती हूँ क्योंकि ना आप समोसा जलेबी ठीक है मम्मा खरीद रही है। अभी आ रहा है वायु का, फिर वायु खाएगा खाना मुँह में से फिंगर निकालू निकालू अभी ये वायु के लिए आएगा और क्या आएगा मिठाई मिठाई अभी खा लेना, मिठाई भी खा लेना। अभी लेके आ रहे हैं पापा वायु का रसमलाई। वायु काफ़ी जिद करने लगा तो वीडियो क्लिप लेना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सॉरी गाइस, मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जो है इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो घर आने के बाद मैं लंच बनाया, लंच में मैं बना रही राजमा चावल जिसमें मैं अनियन को चॉप कर लिया और यहाँ पे टमाटर के बीज को निकाल लेती हूँ, और उसके बाद तड़के के लिए यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले ली हूँ, बे लीफ ले ली हूँ और लौंग बड़ी इलायची ले ली हूँ, और यहाँ पे मैं ना कूट ली हूँ लहसुन और अदरक को, इससे ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, अरोमा भी बहुत ही अच्छा आता है, और हरी मिर्च ले ली हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हल्दी डाल दी हूँ और इसको मैं सौते कर लूँगी। उसके बाद रफली चॉप किया हुआ अनियन डाल दी हूँ, और यहाँ पे मीडियम साइज़ चॉप किया हुआ टमाटो डाल दी हूँ और कोरिएंडर लीव्स डाल दी हूँ, इससे भी ना बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। उसके बाद अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और छोटी चम्मच से रेड चिली पाउडर डाल दी हूँ और उसको सौते कर ली हूँ, और जब ब्राउनिश कलर में टर्न हो जाएगा ना, यहाँ पर मैं बॉयल किया हुआ आलू ली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बॉयल किया हुआ आलू छोले या राजमा में चाहिए चाहिए। उसके बाद बॉईल किया हुआ राजमा डाल दूँगी, और जो राजमा का पानी है ना वही मैं यूज़ की, उसको फेंक ही नहीं हूँ, और यहाँ पे ना और इधर मैं लच्छा पराठा बना ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है राजमा के साथ। यहाँ पे मेरा राजमा पूरी तरह से कुक हो गया है, अब मैं इसके ऊपर से क्रीम कोरिएंडर लीव्स और कसूरी मेथी डाल दूँगी, और ये बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है, और इसके साथ मैं ली हूँ सूजी का हलवा, लच्छा पराठा और राजमा। ठीक एक घंटे बाद वायु के लिए मैं मैंगो शेक बना रही, तो मैंगो को कट कर लिया और यहाँ पे क्रस्ट के बाद शुगर ले लिया और दूध ले लिया और मिक्सर में ब्लेंड करने के बाद इसको ग्लास में टर्न कर दिया और स्टर कर दी हूँ स्ट्रॉ से, और ऊपर से इलायची डाल दी हूँ फ्लेवर लाने के लिए। सो गाइस खाली थी तो मैं सोची क्यों ना कुछ पेंटिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कामों में इंगेज रहना काफ़ी अच्छा लगता है, बैठी रहती हूँ तो वही शैतान खाली दिमाग शैतान का तो कुछ ना कुछ खुरपाती आते हैं, तो यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले ना मैं ऑरेंज कलर से ब्रश से पेंट कर दी, उसके बाद जो है गोल्डन कलर ले ली हूँ, और उसके बाद अब
जैसा मैं स्टेप कर रही ना, अगर आप वैसे स्टेप करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा जो है ना पेंट टर्न होके आता है। यहाँ पे मैं ना 3 डिफरेंट कलर से पेंट कर रही हूँ, उसके बाद जो है सिल्वर कलर से लाइनिंग कर रही हूँ सनसेट के लिए, और उसके बाद अपर पोर्शन में भी जो है मैं सिल्वर कलर से पेंट कर रही हूँ हल्का हल्का, और नीचे वाले पोर्शन पे ब्राउन कलर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे घास बना दी हूँ और लिप्स बना दी हूँ। सो ये रहा मेरा फाइनल आउटपुट और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अब मूव ऑन करते हैं दूसरे कैनवास पे। तो यहाँ पे भी वही स्टेप है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं पिंक कलर से पूरे कैनवास को पेंट कर दी हूँ, उसके बाद जो है सिल्वर कलर से पेंट करके मर्ज करती हूँ, और यहाँ पे माउंटेन बना दी हूँ ब्लू कलर से, और इसको भी पूरा फिल कर दी हूँ ब्लू कलर से, और उसके बाद जो है ना मैं सिल्वर कलर से ना शेडो कर दूँगी। फ्रेंकली बताओ तो मेरे माइंड में इतना आइडिया नहीं आता है कि ऐसे पेंट करना है वैसे पेंट करना है, मैं देख के ही बनाती हूँ। कोई भी टफ पेंटिंग हो ना तो मैं बना लूँगी बट देख के ही बनाऊँगी। एंड रही बात मेहंदी की, तो मेहंदी भी ना टफ से टफ मेहंदी जो है मैं देख के बना लेती हूँ, काफ़ी अच्छा। चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड कैनवास पे। तो थर्ड कैनवास में भी सिंपल है, यहाँ पे मैं ग्रे कलर को 3 प्राइमरी कलर को मर्ज करके जो है बनाई हूँ, और बॉटम वाले पोर्शन पे लाइट ग्रीन कलर से पेंट कर दी हूँ ब्रश की हेल्प से, और बीच वाले पोर्शन पे ब्लू कलर से पेंट कर दी हूँ, और मैं ना सबको फिर उसके बाद ब्रश की हेल्प से ही जो मर्ज कर दी हूँ, और ईयर बर्ड्स की हेल्प से डॉट डॉट कर दी हूँ, और सिल्वर कलर से जो है प्यारा सा मून बना दी हूँ और स्टार बना दी हूँ। नीचे वाले पोर्शन पे घास बना दूँगी, और ये वाली पेंटिंग भी बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। अब इसको जस्ट ड्राई होने के 1 घंटा बाद मैं इसको वॉल पे लगाऊंगी। सो यहाँ पे इसको वॉल पे लगाने के लिए डबल साइड टेप यूज़ कर रही हूँ, और अच्छा ऑप्शन है, और ड्रिलिंग ना करके जो है डबल साइड टेप ही यूज़ कर लो कोई भी, अगर हमें कैनवास बोर्ड लगाना है वॉल पे। सो ये रहा मेरा प्यारा सा कैनवास बोर्ड पेंटिंग, और इसको लगाने के बाद ना और भी प्यारे लग रहा है वॉल। सो यहाँ पे मेरा डबल साइड टेप ख़त्म हो गया है, बचा था मेरा 3 और कैनवास बोर्ड। सो गाइज इसकी पेंटिंग मैं अपनी पिछली वीडियो में शेयर की हूँ, आप वहाँ से जो है जाके आइडियाज़ ले सकते हैं, मुझे ये वाली पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइज दैट्स इट ऑल फॉर द टुडे वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना फ्यूचर अपडेट के लिए, और थोड़ी लाइटनिंग प्रॉब्लम है इसीलिए क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहा है, बट इसका जो आउटपुट है काफ़ी अच्छा आया है और मुझे काफ़ी पसंद है, मेरे वॉल को पूरा सजा दिया है और बहुत प्यारा लग रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।